बरसात में हर साल स्कूल में जलभराव होने से छात्र और शिक्षक दोनों परेशान, क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। बता दें कि शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला नरोली में स्कूल परिसर तालाब में तब्दील हो गया। पंडरिया विकासखंड के ग्राम नरोली स्कूल का है मामला। पानी के स्कूल परिसर में भरने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित, इस विकट समस्या का स्थायी निवारण की आवश्यकता है। जी सर, स्कूल में जो है बरसात में जल भराव समस्या रहता है सर। अच्छा जी, ये समस्या कितने दिन से बना हुआ है? ये समस्या जो है बरसात में होता है सर, दो तीन साल, तीन चार साल हो गए मेरे मुझे यहाँ आए, और आया हूँ तब से बरसात में ऐसा समय, ऐसा समस्या जो है दो तीन बार आ जाता है। इस समस्या को आप अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं। जी, इस समस्या को कल मैं स्कूल आया तो देखा जल भरा हुआ है स्कूल में, बच्चे परेशान हो रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे बच्चे लोग, तो हम लोग आए तो देखे, सरपंच ने तुरंत फ़ोन किया, SMC मेंबर को फ़ोन किया और बुलाया, तो पालक भी आए, आकर देखे और समझे, फिर सरपंच जो है नाली निकालने के लिए प्रयास भी किया, तो चार मजदूर बुलाकर नाली खुदवाया वो, उसके बाद पानी निकलने लगा सर। आपका सुन लो, मैं छैल कुमार चंद्राकर, प्राथमिक शाला नरोली प्रधानपट। स्कूल में पानी भर जाते, पढ़ाई नहीं होती। अच्छा, कौन सा क्लास में पढ़ते हो आप? कक्षा तीसरी। क्या नाम है आपका? आपको स्कूल का नाम? अच्छा, प्राथमिक शाला नरोली। अच्छा ठीक, स्कूल आए थे फिर पानी भरा तो घर चले गए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथी। आपके स्कूल का नाम? शासकीय प्राथमिक शाला नरोली। अच्छा, तो अभी आप स्कूल आए हैं और पढ़ाई हो रही है? नहीं हो रही, दो दिन से नहीं हो रही। क्यों नहीं हो पा रही? पानी भर जाता है। अच्छा ठीक।